देखिए, राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पे उतारा है। जो कुलीनों की संपत्ति थी उसे सामान्य जनों तक पहुंचाना, ऐसे लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं लेकिन राष्ट्रवाद के विमर्श से बाहर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें विमर्श का समान हिस्सा बना दिया है। यह एक बड़ा कदम है और 75वें साल स्वतंत्रता का जो हम मना रहे हैं उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, प्रधानमंत्री ने कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिरी समय में लोग काशी जाते हैं और ये भाजपा का आखिरी समय चल रहा है। नहीं, काशी हम आखिरी समय में जाते भी हैं और आखिरी समय में किसी के लिए पिंडदान देने भी जाते हैं, तो छद्म धर्म निरपेक्षता का वहाँ पिंडदान दे दिया गया है। आखिरी समय जिसका होता है उसे आभास हो जाता है, अखिलेश जी को उसी का आभास हो रहा है। और अब तक विध्वंस का इतिहास हमने पढ़ा था, 2014 के बाद हम अब निर्माण का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे अयोध्या हो या काशी मथुरा हो। अब हम विध्वंसकारियों को पढ़ने की जगह निर्माण कार्यों को पढ़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक तरह का दिखावा है जो हिंदुत्व भाजपा लेकर चल रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है। देखिए, राहुल गांधी का इतिहास बोध और अर्थव्यवस्था बोध दोनों ही कमज़ोर है। जब कमज़ोर हो तो उसकी जिह्वा भी कमज़ोर हो जाती है। राहुल गांधी को यह भी पता नहीं है कि वंदे मातरम गीत है कि गाना है। देश को ये बता दें, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है कि राष्ट्रगान है। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, और उसी के तर्ज पर यदि यह दिखावा है तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्या था। तो राहुल गांधी देश को बताएं कि हिंदू समाज संस्कृति से वे मन से जुड़े हुए हैं या अपने जनेऊ पहनकर दिखावा वो कर रहे हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी प्लस योगी यू उपयोगी बहुत है, तो ये नारा आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल पाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक स्वच्छ शासन देने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम हुआ है और जो अंसारी राज समाप्त हुआ है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। कानून और व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की चरमरा चुकी थी, पुलिस स्टेशन गुंडों का अड्डा बन गया था, आज उससे मुक्ति दिलाना और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अंजाम देना और सॉफ्ट पावर जो भारत की ताकत है, जो उत्तर प्रदेश जिसका केंद्र रहा है, वाराणसी तो देश की सांस्कृतिक नगरी नहीं संस्कृति का केंद्र है, उस केंद्र के पुनरुत्थान की बात करना, मुझे लगता है कि देश एक नए इतिहास बनाने की ओर बढ़ रहा है। सर, आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं और यहीं काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव भी हुआ, लेकिन ABBP पैनल से इस बार किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं गया। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ के प्रत्याशी हारे तो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। देखिए, ये विद्यार्थी परिषद का ये अपना मत है, विद्यार्थी परिषद अपने तरह से निर्णय लेती है। हमारे यहाँ सभी संगठन स्वतंत्र स्वायत्त हैं, यह प्रश्न विद्यार्थी परिषद से पूछा जाना चाहिए।